हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा नई सरकार पर पहले ही दिन से हमलावर रही हैं। कुमारी सैलजा कहती हैं कि नई सरकार को जनता की मुश्किलों से कोई सरोकार नहीं है। देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है और प्रदेश का किसान बेहाल हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक हसरत पूरी हो चुकी है। बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 5 सालों में यही कहते रहे कि हरियाणा में मजबूत विपक्ष नहीं है। नए चुनाव परिणामों के बाद अब हरियाणा में मजबूत विपक्ष भी है और पहले ही दिन से ये विपक्ष नई सरकार पर हमलावर भी है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मंडियों के कपाट बंद कर दिए जाएं किसानों के लिए, ना उन्हें MSP मिले। हरियाणा में ये सरकार बनते ही इतना बड़ा घोटाला, हरियाणा के किसानों की उपज तो आप खरीद नहीं रहे हो, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतनी खरीद कहां से हो गई? आपने बाहर से लाकर, ये मिली भगत है, बाहर से दूसरे राज्यों से लाकर आपने खरीद कर ली है और हरियाणा के किसान की उपज मंडियों के बाहर है, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा अब हरियाणा में पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में पहले ही दिन से जुट गई हैं और इसके लिए वो हरियाणा के हर एक जिले में जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगी। हर जिले में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस इलेक्शन में, जबकि कोई भी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बिल्कुल गया गुजरा समझ रहे थे, किसी ने हरियाणा की जनता की आवाज़ को, दर्द को नहीं पहचाना, किसी ने हमारे कार्यकर्ता की शक्ति को नहीं पहचाना, तो हम जगह जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करेंगे, हम अपनी पार्टी की और मजबूती के लिए नीचे से कार्य करेंगे। देश और प्रदेश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर भी कुमारी शैलजा ने अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। सब चीज बेच डालेंगे देश की, महिलाओं का सोना तक नहीं बचने देंगे। महिलाओं के मंगल सूत्र तक गिरवी रखवाने के चक्कर में है। बात ये है कि आज के दिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल चरमरा गई है और ये इनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है। चाहे किसान है, हम अपने यहाँ देख लें उसका नतीजा, आपने नोटबंदी से शुरू किया, आपने GST को जिस तरह से लागू किया, आज किसान में, मजदूर में हाहाकार मची हुई है। चलिए, हरियाणा में अगले 5 सालों तक सियासी गहमा गहमी अब पूरे उफान पर रहेगी। ना तो नई सरकार को हनीमून पीरियड मिलेगा और ना ही विपक्ष अब चुनावी मौसम का इंतजार करेगा। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।